हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें, टाइपिंग स्पीड कैसे इम्प्रूव करनी है। अच्छा, अगर मैं टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव नहीं कर रहा, मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो है, तो क्या मैं कोडर नहीं हूँ या मैं बेकार कोडर हूँ? तो यार, इसका जो आंसर है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे इसको स्पीड अप कैसे करें, अपनी टाइपिंग को कैसे रॉकेट जैसा बनाएं, मतलब ऐसे लिख दे कि खत्म बहुत जल्दी लिखते हैं, कैसे हम बहुत फास्ट स्पीड में लिख सकते हैं। देखो, एक स्पीडी कोडर बनने के सीक्रेट्स क्या हैं वो हम जानेंगे, बट एक और चीज़ मैं बता दूँ कि एक्यूरेसी पे ज़रूर ध्यान देना, चाहे आप किसी भी तरीके से इंक्रीज कर रहे हो, एक्यूरेसी पे ज़रूर ध्यान देना। स्पीड मैटर क्यों करती है, मैंने बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप तेज़ कोडिंग करोगे इसका मतलब आप जल्दी कोड कर पाओगे, आपको कम टाइम लगेगा एंड उसी के आप समझ जाओ, उसके फ़ायदे आपका ज़्यादा टाइम बचेगा, आप ज़्यादा कोड करोगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा होगा, और क्या चाहिए भाई मतलब एक कोडर को क्या चाहिए कि वो जल्दी जल्दी कोड कर सके, उसके दिमाग में जो भी इनोवेटिव चीज़ है वो वहाँ पे उतार सके और एकदम मस्त करके वो बना सके कोडिंग के लिए। मास्टर योर आईडीई। अब आप कौन सी आईडी यूज़ करो, जैसे मैं वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ एंड मोस्टली लोग वीएस कोड यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ ना, मोस्टली फैक्ट्स मैं स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे से बताता हूँ, कहीं आप सोचोगे मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे से बताता हूँ। मान लो आप वी एस कोड यूज़ करते हो तो उसके जितने भी शॉर्टकट्स हैं उन सबको थोड़ा सा मास्टर करने की कोशिश करो, लेकिन देखो आपको पता है कि आपको उन्हीं को ही यूज़ करना है, तो अपने मास्टर करो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो। मैं अपना वी एस कोड बहुत कस्टमाइज़ करता रहता हूँ, चाहे वो लुक वाइज हो चाहे वो फीचर वाइज हो, क्योंकि मेरे को उसको एफिशिएंट बनाना है, मैं उस पर ही काम करने वाला हूँ, तो मेरे को उसको देखने में भी अच्छा फील गुड बनाना है। अपनी आईडी को ज़रूर से मास्टर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देखो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो ज़्यादा नहीं जानता, बट आई विल रिकमेंड कि जो इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं ना आप उनको जान लो। जैसे मैं बहुत ही कम कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करता हूँ मैक में, विंडोज़ में मैं काफ़ी करता था, बट मैक में मैं काफ़ी कम करता हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप करते हो ना, तो यार आपकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है कीबोर्ड शॉर्टकट से भी, लाइक आपको कम लगेगा बट काफ़ी स्पीड इम्प्रूव होती है, लाइक मैं कह सकता हूँ 5x फास्टर हो जाते हो आप, क्योंकि अगर आप देखो कि वो चीज़ कीबोर्ड से करने में कितना टाइम लग रहा है, फिर वो चीज़ माउस से करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आप 5x बेटर हो जाते हो, मिनिमम 5x बेटर हो जाते हो। कोड टेम्पलेट्स एंड स्निपेट्स। यार ये ना ऐसा है कि टाइपिंग स्पीड तेज नहीं कर रहे, कोडिंग स्पीड तेज कर रहा हूँ। इस वीडियो को ना आप टाइपिंग स्पीड की जगह कोडिंग स्पीड लो, क्योंकि देखो आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आप स्निपेट्स का यूज़ करो, टेलविंड के कंपोनेंट्स का यूज़ करो, अगर आपको बहुत जल्दी से वेबसाइट बनानी है या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें, यूआई का टेम्पलेट उठा के डाल दो, बहुत अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं फ्री में, मैंने कुछ वीडियोस भी डाल रखे हैं जिसमें मैंने टेम्पलेट से अपने लिए वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर लिया, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, छोटी सी वीडियोज़ है, आप उन्हें देख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो। HTML के टेम्पलेट्स है, रिएक्ट के टेम्पलेट्स है, लगभग हर टेक्नोलॉजी के टेम्पलेट्स है, फॉर ईच यूज़ केस एंड काफ़ी अच्छे टेम्पलेट्स अवेलेबल है फॉर फ्री। पेड वालों की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो आप बस ले लो, आपको कुछ करना ही नहीं है, उसमें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे पेड टेम्पलेट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कह रहा जाके पेड टेम्पलेट्स खरीद लो, पैसे हैं तो यार खरीदो, लेकिन या क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो भी खरीद सकते हो, बट अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो फ्री टेम्पलेट्स इज़ अ गुड चॉइस। और स्निपेट्स का आप ऑलवेज यूज़ करो, एंड एमेट होता है ना अपने वीएस कोड में और बाकी आईडीज़ में, उसका काफ़ी आप यूज़ करो, उसके बारे में जानो, अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं उनकी हेल्प से आप और ज़्यादा स्निपेट्स ला सकते हो, तो उसका ध्यान रखो। प्रैक्टिस टच टाइपिंग। अब आगे टाइपिंग स्पीड की बारी, तो टच टाइपिंग एक ऐसी टाइपिंग है कि आपको कीबोर्ड नहीं देखना होता, आपकी फिंगर्स की जो मसल मेमोरी होती है उससे आप टाइप करते हो एंड आप डायरेक्ट सिर्फ स्क्रीन पर देखते हो, ये थोड़ा टाइम लेता है, इसके लिए काफ़ी वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, बट यूट्यूब की वीडियो से सीखने से अच्छा आप किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर से सीखो। लर्न टाइम सेविंग ट्रिक्स। अब कुछ डीबगिंग स्ट्रैटेजीज है, कुछ ऐसे पैकेजेस हैं, या फिर मतलब कोडिंग की इन जनरल बात करें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, तो यार उन चीज़ों को देखो। जैसे लेट्स से पोस्टमैन, आप पोस्टमैन यूज़ करते हो वीएस कोड और पोस्टमैन,
पूरा ठंडक क्लाइंट यूज़ कर लूँ, ना आपको अलग से खोलना, फिर उसके अंदर अलग से जाके रिक्वेस्ट डालनी, विंडो चेंज करनी। आप डायरेक्ट ठंडर क्लाइंट खोलो VS कोड के अंदर, जल्दी से कर लो, सिंपल। इस तरीके से आप टाइम सेविंग अलग अलग ट्रिक्स को आप यूज़ करो, जिससे कि आप कोडिंग के टास्क को अपना जल्दी कंप्लीट कर सको। ऑप्टिमाइज योर वर्क फ्लो। ना इसका क्या मतलब है, जितने भी आपका जो वर्क बेंच है उस पर से डिस्ट्रैक्शन हटा दो, सब कुछ ऑर्गेनाइज रखो। देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ लैपटॉप के अंदर ही है, उससे ही हमारी कोडिंग स्पीड इंक्रीज होगी। नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड से भी हमारी कोडिंग स्पीड इंक्रीज हो सकती है। कैसे? देखो मान लो आपको कोडिंग कर रहे हो तो इंसान हो आप, कमेंट में बताओ आप इंसान हो ना। मेरे को लगता है आप इंसान हो, बाकी कमेंट में बताना कि या मैं इंसान हूँ, मैं एलियन हूँ, मैं इंसान हूँ। और तो यार पॉइंट पे आते हैं, तो आप पानी पीते होगे। अब मान लो आपके पास पानी रखा, तो आप जाओगे पानी लेके आओगे, पियोगे, फिर उसे अपने पास रखोगे। तो इससे बजाय आप पहले ही पानी लेके बैठो। और देखो ये तो बहुत बेसिक बात कही है मैंने, इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कोडिंग के अंदर। डुअल मॉनिटर सेटअप अगर आप रख सकते हो, ट्रिपल मॉनिटर सेटअप, और जितने की आपको नीड है उतने मॉनिटर का अगर आप सेटअप रख सकते हो, तो यार बहुत फ़ायदा होगा उससे आपको। कोलैबोरेशन पेयर प्रोग्रामिंग, मान लो आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब उसमें आप कितनी टाइपिंग स्पीड तेज कर लो, टेम्पलेट लगा लो, ठीक है, पर अगर आप कोलैबोरेटिवली प्रोग्राम करोगे उसे, यानी कि दो जने, आपके फ्रेंड्स और जितने भी आप कर सकते हो, तो यार एक बार इमेजिन करो, आप बैक एंड देख रहे हो, आपका दोस्त फ्रंट एंड देख रहा है, एक जना डेटाबेस देख रहा है, फिर एक जना लेट्स से सारे बग फिक्स कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, तो कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से काम होगा। अगर आपने कर रखा है तो आपको पता है, नहीं कर रखा तो यार ट्राई ज़रूर देना। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिला कोडिंग का, तो यार आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, अभी वो नया है काफ़ी, तो अगर यार आप सब ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली उसमें आपको कम्युनिटी बनने को मिलेगी एंड काफ़ी फ़ायदा होगा वहाँ से भी आपका। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, देखो फास्टर तो ठीक है, बट मान लो आप होते अभी HTML CSS JavaScript में और आपको पता ही नहीं है रिएक्ट के बारे में, अब आपको क्या पता कि यार रिएक्ट में कोड करो कितना जल्दी हो जाएगा, कंपोनेंट्स बना सकते हो। अब आप रिएक्ट में कर रहे हो, आपको नेक्स्ट के बारे में नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट में इतनी जल्दी हो जाता है। अब आपको टूल्स एंड लाइब्रेरीज के बारे में पता ही नहीं है, आप लर्न ही नहीं कर रहे हो, तो यार वो जो एक एडवांटेज होता है ना, वो आपके पास नहीं आएगा। इससे काफ़ी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लो AI है, आप AI का यूज़ करो, AI से आप कोड लो, लेकिन अगर आपको लर्न ही नहीं किया, आपने समझा ही नहीं है AI के बारे में, तो कैसे करोगे? सो कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड, नॉट ओनली इन कोडिंग, बट कोडिंग में भी हमारी काफ़ी काम आता है। जब मैंने अभी नोटिस किया कि मैं माइक को बोलते बोलते काफ़ी नीचे ले गया था, तो अगर ऑडियो में यार थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कर देना यार, अगर कोई इशू आया हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाइए। मैं ट्राई करूँगा एडिटिंग से फिक्स करने की, बट आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। स्पीड वर्सेस क्वालिटी, हाँ स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है? ऑब्वियसली क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहूँगा बैलेंस अगर आप रख सकते हो, सो उससे बड़े कुछ है ही नहीं। क्लीन कोड लिखो, जल्दी लिखो और अच्छा लिखो। ऐसा नहीं है कि यार आप एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हो, लूप्स लगाओ, क्वालिटी रखो यार कोड के अंदर, और एरर्स कम रखो, कंसोल लॉग्स वगैरह इन सब का ध्यान रखो, क्लीन कोड लिखो, कमेंट्स जो आप एक्स्ट्रा कमेंट्स उन्हें हटाओ, हर एक को ढंग से आप फॉर्मेट करो, ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। सेलिब्रेट योर स्पीडी सक्सेस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप बन चुके स्पीडी कोडर। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आपको मोस्टली वीडियोस में नहीं मिलेगी, जैसे कि आप देख लो स्पीड वर्सेस क्वालिटी, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कोलैबोरेशन, पेयर प्रोग्रामिंग, बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, मैंने तो किसी को नहीं सुना वैसे। ऑप्टिमाइज योर वर्क फ्लो, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइज, ये जो यार ये सब नहीं मिलता यार आपको वीडियो में, आपको टाइपिंग के बारे में बता दिया जाता है, आपको MET वगैरह के बारे में बता, ये सब नहीं मिलता यार, तो पता क्या करना है आपको? ये सब जो मिला है इसके लिए यार एक लाइक वाला बटन दबा देना है, और एक या तो प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, या फिर आपको कोई डाउट है तो उसको छोड़ दो। एंड कंक्लूजन पे बढ़ते हैं, तो यार क्या कंक्लूजन है, वो जो सारी टिप्स अगर आप एक बार उनको रिविजिट करना चाहो, रिविजिट कर लो, उन सब टिप्स को फॉलो करो, ये आपका कंप्लीटली हो जाएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया हो, आप अपना नया डाउट पूछ सकते हैं, एंड कीप कोडिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।